के आते हो तो अब थाना प्रभारी है जब बाल कल्याण पदाधिकारी अपने वरीय पदाधिकारी को लिखेगा कि ऐसे बच्चे आते हैं इस स्कूल में जिस पे प्रधानाध्यापक और टीचर जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, बिना ड्रेस के कोई स्कूल नहीं आएगा। एक मिनट सर, समझ रहे हैं? देखिए आपके सामने दो यहाँ पर विजातीय बच्चे खड़े हैं, एक बच्चियां हैं हमारी और एक बच्चे हैं। बच्चियां अधिकतर अपने ड्रेस में हैं, बिल्कुल, और बच्चों को बार बार इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी अपने ड्रेस में नहीं आता है। अब बोलो कि यदि सर बाहर में पकड़ लें, ले जाके थाने में बंद कर दें तो कितना गार्जियन परेशान होगा, तू लोग परेशान होगा। विधि व्यवस्था की समस्या हो रही है, पहचान नहीं पा रहे बाहर मेरी कौन स्कूल के लड़के हैं, कौन बाहर के लड़के, और बराबर हमको शिकायतें आने लगी है कि स्कूल के पास जो हमारी बच्चियां पढ़ने जा रही हैं उसमें स्कूल के ही लड़के ड्रेस बदल के आ रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। हम बच्चियों को परेशान नहीं होने देंगे। मेरा नाम कमल पांडे है, दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। अगर तुमको टीचर के बात से, टीचर के आदेश से, स्कूल के अनुशासन से लगाव नहीं है तो हम अपने वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे, SDO साहब को लिखेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, तुम पे कार्रवाई हो जाएगा। मतलब जो बाल कल्याण पदाधिकारी का रोल होता है उसका पूरा पूरा हम पालन करने जा रहे हैं। आदत को बदलोगे अब स्कूल ड्रेस में आओगे, याद रखना। बोलो, यही ड्रेस है और इस ड्रेस को दो चार लड़के छोड़कर के कोई नहीं है। स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहने आप लोग बताइए पहले। पापा कितना मेहनत करता है पता है नहीं? पता है ना, हम भी एक गरीब घर से निकले। टीचर जब रसगुल्ला मार देता था ना, उस टीचर से पढ़ते रहे, इसलिए आज दरोगा बने। साथ के दोस्त कमांडेंट, हम लोग जिस टीचर से पढ़े थे ना, सारे के सारे दोस्त जो है ना अच्छे अच्छे ऑफिसर है। जब तुम टीचर की बात को, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानोगे ना, तो सफलता बहुत मुश्किल होता है मिलना। हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। टी शर्ट पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे कि भूल जाओ कि कमल पांडे के रहते तुम बिना ड्रेस के रहोगे। हम प्रधानाध्यापक से भी निवेदन करने आए हैं कि सर आपको बच्चों के खिलाफ नहीं लिखना, आप फोटोग्राफ जो सुबह का हाजिरी होता है, ये होता है प्रार्थना, ये फोटोग्राफ थाना प्रभारी को भेजिएगा, थाना प्रभारी खुद डिटेक्ट कर लेगा, उनके गार्जियन को बुलाएगा और हम बता देंगे। ओके, स्कूल का नियम है ना जी, तुम्हारे नियम से चलेगा कि बिना ड्रेस के तुम स्कूल में पढ़ोगे और टीचर के पास का अवहेलना करोगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मन लगा के पढ़ना है, स्कूल में पढ़ने आते हो, माँ बाप बड़ी मेहनत कर रहा है, सोचो दिन रात पापा मेहनत करता होगा, कहां से पैसा लाता होगा, इस बात को सोचो। तुम लोग अभी से नहीं सोचोगे ना तो नहीं तुम डेवलप कर पाओगे, अपने माइंड को नहीं डेवलप कर पाओगे। अभी बाप के दर्द को समझो, बच्चे और नहीं समझ में आता होगा, खेलते हो ठीक है, खूब खेलो, खूब पढ़ो, हम भी बीच में आएंगे तुम्हारे क्लास में।